हेलो दोस्तों, आज आप सभी इस वीडियो में यूनिट कैसे सेट करते हैं ऑटोकैड में, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग ड्राइंग को ओपन करते हैं। ड्राइंग पे क्लिक करके हम लोग ऑटोकैड की ड्राइंग को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक इंटरफेस मिलेगा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है ऐसे। तो नीचे हम लोग देखेंगे, एक हमारे पास कमांड बॉक्स है। हम लोग कमांड बॉक्स में टाइप करेंगे UN, या हम लोग पूरा यूनिट टाइप कर सकते हैं। उसके बाद इंटर क्लिक करने पे हमें एक चार्ट ओपन होता है। चार्ट में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, टाइप ऊपर चेक करेंगे। टाइप हमें क्या रखना है, डेसिमल रखना है, आर्किटेक्चरल रखना है, या इंजीनियरिंग या फ्रैक्शनल, जो भी आपको रखना है वो हम लोग सेट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले प्रिसीजन में। प्रिसीजन सेट कर लेते हैं, पॉइंट के बाद कितने जीरो चाहिए। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास यूनिट में स्केल क्या लेंगे, मीटर लेंगे, मिलीमीटर लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हमारी यूनिट का स्पेसिफिकेशन क्या होगा, इंटरनेशनल होगा, अमेरिकन होगा, और देन ओके पे हम लोग टाइप कर देते हैं। और दूसरा मेथड, हम लोग साइड पे टॉप पे आएंगे, उसके बाद ड्राइंग ओपन करेंगे, उसके बाद देन डायरेक्ट हम यूनिट पे आ जाएंगे। तो फिर सेम बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा। या हम लोग ऐसे सिंपल यूनिट टाइप करेंगे, यूनिट टाइप करके हम लोग जस्ट इंटर कर देंगे। इंटर करने पे हमें फिर सेम इंटरफेस निकल आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।